हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार, आपका अपने यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, हमने आपको फर्स्ट एफ एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। आज हम आपको फर्स्ट जी एक्सरसाइज कराएंगे। देखिए, इसका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और मैं आपको पढ़कर भी बता रहा हूँ कि इसका पहला सवाल क्या है। निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। क्या करना है, पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग करना है। देखिए, इसके 6 पार्ट दिए हुए हैं। कितने पार्ट है इसके? 6 पार्ट दिए हुए हैं। 3 हम आपको कराएंगे, 3 आप खुद करेंगे, ठीक है ना? 3 कराएंगे हम आपको, हम आपको समझा देंगे, तो फिर आप 3 खुद कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, इसमें क्या करना है, पहला पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है। इसमें क्या करना है, पहली संख्या पहले पार्ट में दूसरे पार्ट से क्या करेंगे, भाग करेंगे। देख कैसे करेंगे, माइनस के 8/5 दिया हुआ है, माइनस के 8/5 दिया हुआ है, इसमें भाग करनी है 1/-10 से, 1/-10। समझ आई आता है बात? बिल्कुल समझ गई। अब क्या करेंगे, देखिए, माइनस के 8/5 में डिवाइड करा 1/-10 से, ठीक है? अब क्या करेंगे, इस मल्टीप्लाई के, इस डिवाइड के साइन को, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए, माइनस के 8/5 ये करा डिवाइड मल्टीप्लाई का साइन, जब इसको, जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो नंबर होगा, ये वाला जो संख्या होगी, ये पलट जाएगी। क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो ये हो जाएगी माइनस के 10/1/1। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, 5 से कटेगा 2 बार, कितना होगा, 5 × 10, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, प्लस, और 8 × 2 कितना होगा, 16। नीचे कुछ भी नहीं बचा, 1 के 1 वगैरह की 1 ही आएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, प्लस का 16 इसका आंसर होगा। कितना होगा, प्लस का 16 इसका आंसर होगा। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट भी इसका बिल्कुल सेम ही ऐसे ही है, 18 में डिवाइड करनी है माइनस के 12/7 से, ठीक है? अब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करो, मल्टीप्लाई का साइन बनाया तो ये कितना हो जाएगा, 7/-12, ठीक है? 6 से काटो, 6 × 2 = 12 और 6 × 3 = 18, तो बचेगा कितना, ये माइनस माइनस को ऊपर ले लो, -7 × 21/2, ये इसका आंसर होगा। समझ आई बात? थर्ड पार्ट इसका ये है, इसमें क्या करेंगे, माइनस के 8/5/-16, इसके डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन में चेंज करो, तो -8 × 5/16, ठीक है, 16/5 होगा। अब क्या होगा, देखिए कटेगा नहीं है, क्या होगा, कटेगा नहीं, तो माइनस की माइनस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, प्लस, और 16 × 5 कितना हो जाएगा, 80/5, 16 × 128 होगा, 16 × 128 इसका आंसर होगा, 128/5 इसका आंसर होगा। देखिए फर्स्ट फर्स्ट सवाल के 3 पार्ट कंप्लीट है, 3 पार्ट आप खुद करेंगे। अगर आप पर नहीं होते हैं तो आप हमको कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं, हम आपको 3 पार्ट फिर करा देंगे इसके। देखिए सेकंड सवाल क्या है इसका, सेकंड सवाल है, इसमें भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है, यानी कि इसमें क्या करना है, ट्रू फॉल्स है इसमें। इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं, चारों में क्या करना है, ये चेक करके बताना है कि हमको ये सत्य है या असत्य है, यानी कि ट्रू फॉल्स है। इसका पहला पार्ट ये है, देखिए पहला पार्ट आपको स्क्रीन पर नीचे मिल जाएगा, मैं आपको यहां बता रहा हूं, -(1/8)/3/4, इसमें क्या करना है, पहला पार्ट है इसका, एक परिमेय संख्या है, इसमें इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद एक आंसर आएगा इसका, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें चेक करके बताना है कि ये एक परिमेय संख्या है या नहीं है। इसने कहा है कि ये एक परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या हुई तो क्या होगा, ट्रू होगा, और परिमेय संख्या नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, ये फाल्स हो जाएगा। देखिए सोल्व कर लीजिए, -(1/8), डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करो तो ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4/3, 4 से 2 बार कटेगा 8, तो कितना आएगा, कितना आएगा, ऊपर कितना बचा, -(1/3)/6। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q की फॉर्म में हो बट Q ≠ 0, तो क्या है होगी, परिमेय संख्या होगी। देखिए P/Q की फॉर्म में है, क्योंकि P कितना होगा हमारे पास, -(1), और Q कितना होगा, 6, और Q हमारे पास 0 भी नहीं है, समझ आई बात?
तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो क्या है ये, ट्रू है ये, कैसा है ये, ट्रू है यानी कि सत्य है। समझ आई बात, फर्स्ट पार्ट इसका, सेकंड पार्ट ये है इसका। सेकंड पार्ट ये है, एक पार्ट इसका ये होगा, लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। अगर दोनों का आंसर इक्वल आया तो ट्रू है, और दोनों का आंसर इक्वल नहीं आया तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, 8 upon -k 9 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करो, ये कितना हो जाएगा 3 upon -4। 4 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 3 बार, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस, और 2 upon 3। तो यहां कितना आएगा 2 upon 3। इधर इधर इसको सोल्व कर लो, ये कितनी है, ये क्या है राइट हैंड साइड, माइनस के 4 upon 3, डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई का साइन में चेंज करो, उल्टा हो जाएगा माइनस के 9 upon 8। तो 3 से कटेगा 3 3 9, 4 से कटेगा 4 2 8, कितने आएगा, माइनस की माइनस मल्टीप्लाई करो प्लस आएगा, और 3 का 3 upon 2, 9 upon 8, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा 4 3 upon 4। देखिए यहां पर क्या रहा है 2 upon 3, यहां पर क्या रहा है 2 upon 3, और यहां पर कितना आ रहा है 3 upon 2। यहां पर 2 upon 3, यहां पर 3 upon 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा यानी कि फॉल्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा यानी कि असत्य हो जाएगा। सेकंड पार्ट भी कंप्लीट है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसका ये थर्ड पार्ट इसका ये दे रखा है, ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, राइट हैंड साइड दी हुई है, सोल्व कर लो लेफ्ट हैंड साइड को, फिर राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेंगे। अगर इक्वल आया तो सत्य है, इक्वल नहीं आया तो फॉल्स हो जाएगा यानी कि असत्य हो जाएगा। माइनस के 15 upon 56 को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन बना तो ये तो वन ही रहेगा, क्योंकि जब इसको पलटेंगे तो 1 upon 1 रहेगा, तो 1 ही हो जाएगा। जब इससे इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 15 upon 56। समझ आई बात, राइट हैंड साइड क्या है इसकी, राइट हैंड साइड को सोल्व कर लो, 1 में डिवाइड करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई का साइन चेंज, मल्टीप्लाई का साइन में चेंज कर लो तो कितना जाएगा 56 upon -15। 56 upon -15 तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 56 upon 15, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 56 के 1 में, 56 बन जाए 56, और माइनस के 15 ऊपर नीचे रहेगा, ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 56 upon 15। ये कितना है, माइनस के 15 upon 56, ये कितना है, माइनस के 56 upon 15। तो यहां पर भी क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड साइड के, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा यानी कि फॉल्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सेकंड सवाल का फोर्थ पार्ट ये है, इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को सोल्व करना है, नीचे लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड 1 आ गई तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करो, माइनस के 9 upon 10 मल्टीप्लाई के साथ, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करो तो 10 upon -9, 10 से 10 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, तो ये कितना आएगा प्लस का 1, क्योंकि माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगी, तो प्लस का 1 आएगा, और यहाँ पे कितना है प्लस का 1, तो इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ट्रू यानी कि सत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ये पार्ट क्या है आपका, सत्य है। देखिए सेकंड पार्ट कंप्लीट है, अब आपका थर्ड सवाल क्या है, देखिए थर्ड सवाल कराएंगे हम आपको। इसमें देखिए थर्ड पार्ट में, थर्ड सवाल के अंदर 6 पार्ट दिए हुए हैं, कितने पार्ट है, 6 पार्ट दिए हुए हैं, इसके हम आपको 3 पार्ट कराएंगे, 3 पार्ट आप खुद करेंगे, क्योंकि आपको भी तो कुछ करना है ना, तो आप इसके 3 पार्ट नेक्स्ट 3 पार्ट करेंगे। अगर आप पर नहीं होते हैं तो आप आपको सवाल के 3 पार्ट है, 3 पार्ट आपके सामने है, देखिए थर्ड सवाल के 3 पार्ट आपके सामने है, सोल्व करो इनको, 2 upon 3 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करो, इसको पलटो तो कितना जाएगा 5 upon -4, 2 से कटेगा 2 बार, और कुछ कटेगा नहीं इसमें, तो आंसर क्या आएगा इसका, ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस के 5 upon 3 6, तो क्या होगा इसका आंसर, माइनस के 5 upon 6 इसका आंसर होगा। इसको सोल्व करो, माइनस के 4 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन बनाओ, 5 upon -3 5 upon -3, तो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा प्लस, 5 चौक कितना होगा 20 upon 3 इसका आंसर होगा, 20 upon 3 इसका आंसर होगा। देखिए थर्ड पार्ट इसका ये है, माइनस के 6 upon 7 डिवाइड
तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन माइनस के 15, 1 अपॉन माइनस के 15, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा प्लस, कुछ कटेगा नहीं इसमें, तो 6 अपॉन 15 सत्ते 105, 3 से कट सकता है, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 है, 3 3 है 9, 1 3 5 15 है, तो कितना आएगा आंसर इसका 2 अपॉन 35, ये इसका आंसर होगा। देखिए तीनों पार्ट आपके कंप्लीट है, तीनों पार्ट कंप्लीट है, नेक्स्ट तीन पार्ट आप खुद करो, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट, क्या है इसका फोर्थ पार्ट है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल है माइनस के 6 अपॉन 7, यदि इनमें से एक संख्या 8 अपॉन 5 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि इनमें से एक संख्या इतनी हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 10 है, इनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो एच मान लेंगे इधर ये डिवाइड में जाएगा तो 10 अपॉन 5 तो एक्स इक्वल कितना जाएगा 2, तो दूसरी संख्या क्या होगी 2 होगी। देखिए बिल्कुल सेम सवाल, बिल्कुल सेम सवाल यही है, बिल्कुल सेम सवाल ऐसे ही इसको करना है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है इसने माइनस के 6 अपॉन 7, इनमें से एक संख्या दे रखी है इसने माइनस के 8 अपॉन 5, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, समझ आई बात। देखिए कैसे करेंगे इसको, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है माइनस के 6 अपॉन 7, ठीक है, उसमें से एक संख्या दी हुई है इसने माइनस के 8 अपॉन 5, माइनस के 8 अपॉन 5 तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है तो उसको हम एक्स मान लेंगे, समझ आई बात, दूसरी संख्या हमको पता नहीं है तो हम क्या कर लेंगे उसको एक्स मान लेंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है, ये क्या है नंबर, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा, तो किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो माइनस के 6 अपॉन 7 डिवाइड माइनस के 8 अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आई, एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आई, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन में चेंज करेंगे और ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो एक्स इक्वल क्या होगा माइनस के 6 अपॉन 7 इंटू माइनस के 5 अपॉन 8, ठीक है। अब ये देखिए क्या होगा इसमें, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 है, नहीं 2 से काटो, 2 3 6 है और 2 4 8, और कुछ कटेगा नहीं, तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस, और 5 3 कितना हो जाएगा 15 अपॉन 7 4 28, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास प्लस की 15 अपॉन 28, तो दूसरी संख्या क्या होगी, वो दूसरी संख्या होगी 15 अपॉन, देखिए फिफ्थ सवाल क्या है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दे रखा है इतना, यदि इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। देखिए बिल्कुल फोर्थ सवाल के सेम, बिल्कुल फोर्थ सवाल के जैसा ही है, आप खुद करेंगे इस सवाल को, क्या करेंगे आप खुद करेंगे, सिक्स सवाल है इसका, माइनस के 4 अपॉन 9 में 9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल माइनस के 1 प्राप्त हो। देखिए सिक्स सवाल यह है आपका, माइनस के 4 अपॉन 9 को, माइनस के 4 अपॉन 9 को किस संख्या से गुणा करें हमें नहीं पता, किस संख्या से गुणा करें, तो हम मान लेंगे x, हमें नहीं पता किस संख्या से गुणा करें, और आंसर कितना आना चाहिए इसका माइनस का 1, ठीक है, ये x इधर ही जाएगा, ये गुणनफल है तो इधर किस में जाएगा भाग में जाएगा, तो x इक्वल माइनस के 1 डिवाइड माइनस के 4 अपॉन 9, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करो तो कितना हो जाएगा माइनस के 9 अपॉन 4, माइनस के 9 अपॉन 4 मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस और 9 अपॉन 4, तो x इक्वल कितना आया 9 अपॉन 4, यही देखिए लास्ट सवाल क्या है इस एक्सरसाइज का, लास्ट सवाल है 8 अपॉन 9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल माइनस के 16 अपॉन 28 प्राप्त हो। देखिए ये भी बिल्कुल सेम सिक्स सवाल के जैसा ही है, लेकिन फिर भी हम आपको करा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 अपॉन 9 में, 8 अपॉन 9 में एक्स से गुणा करो और आंसर कितना आएगा माइनस के 16 अपॉन 26, ठीक है। इधर इसको डिवाइड में लेकर जाओ तो एक्स इक्वल माइनस के 16 अपॉन 26 डिवाइड 8 अपॉन 9, इसको साइन को चेंज करो मल्टीप्लाई में, माइनस के 7 अपॉन 26 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 8, 8 से काटो 2 बार और कुछ कटेगा नहीं, 2 से कहिए कट जाएगा 13 बार, तो कितना आएगा माइनस के 9 अपॉन 13, तो x इक्वल माइनस के 9, माइनस के 9 अपॉन 13 इसका आंसर होगा। ये भी सवाल आपका कंप्लीट है, देखिए पूरी आपकी एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है। देखिए ये कौन सी एक्सरसाइज थी आपकी, फर्स्ट जी एक्सरसाइज थी, कल हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे। प्लीज स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।